नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत रंगरा थाना क्षेत्र के साधुपुर में नवगछिया पुलिस की गोली से एक बच्चा जख्मी हो गया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया है, साथ ही ग्रामीणों ने तोड़फोड़ भी की है। जख्मी बच्चे का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस एक अपराधी को पकड़ने गई हुई थी, इस दौरान पुलिस द्वारा गोली चलाई गई जिसमें एक 14 वर्षीय बच्चे को गोली लग गई। गोली लगने से बच्चा जख्मी हो गया। घायल बच्चे राजीव को ग्रामीणों ने आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए JLNMCH रेफर कर दिया गया है। काहे मारा? वो बोला कि अगर जो नहीं बताएगा कि वरुण कुमार का है, वो बोला कि तुझको साले गोली मार दूंगा। कौन है वरुण कुमार? मेरा अंकल। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं वो? कुछ पढ़ाई करता था, वो आदमी ने उसको बिगाड़ दिया। उसको पकड़ने आया पुलिस? हाँ। पहले से जेल भी गया चाचा तुम्हारा? नहीं, पुलिस पकड़ने आया था। हाँ। क्या गोली चलाया था? कितना गोली चलाया था तुम? ये वो गोली चलाया था, जब दूसरा गोली मारने वाला था हम लोग उसके मुंह पर उन्हें घुरा दिया, क्योंकि तब उसको क्लियर निकलो हम जब पढ़ने गया था उसमें 5-6 से मार दिया। क्या नाम है तुम्हारा? राजीव कुमार। कौन चलाया था गोली? मेहताब खान। कौन है वहाँ पे? तो देखते गोली लगा हुआ था, पुलिस गोली चला रहा था, जनता पर भी चला रहा था। ऐसे मर्डर केस में नहीं फंसा था, उसको खोजने आया था। कौन फंसा था? वरुण कुमार मर्डर केस में फंसा हुआ है। गोली क्या चला रहा था? पुलिस चला रहा था। कहाँ का पुलिस है? ये पता नहीं, बाहरी पुलिस था, यहाँ का नहीं था, थाना का नहीं था, बाहरी पुलिस था। अभी भी वहाँ पे 30-35 गाड़ी पुलिस है अभी भी। इसको कहाँ चलाएगा इसके? इसको पूछा कि वरुण कहाँ है, इसको पता नहीं था, बस इसको गोली मार दिया। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा डब्लू कुमार। कौन है उसका? हम उसका भाई है, मामा कलर का है। हाँ। रविवार को बकरीद के मद्देनजर जगदीशपुर थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा जगाया है। भागलपुर के DSP डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में जगदीशपुर बाईपास एवं लोदीपुर की पुलिस टीम ने जगदीशपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार, लोदीपुर थाना अध्यक्ष राजेश झा एवं बाईपास थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने अपने पुलिस बल एवं रैफ के जवान के साथ फ्लैग मार्च का आयोजन किया। खीरी बांध सहित आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल मार्च किया और सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। वहीं जगदीशपुर प्रखंड के पुरेनी, बदलूचक, सनहोली, मोहद्दीपुर सहित कई जगहों पर बाइक से फ्लैग मार्च कर लोगों को आश्वस्त किया कि आप शांति से बकरीद पर्व मनाएं, वहीं किसी भी अराजक या उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा, यह भी संदेश देने की कोशिश की गई। आपको बताते चले कि बकरीद के मद्देनजर 2 दिन पूर्व ही थाना स्थल पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने सौहार्दपूर्वक सामाजिक वातावरण बनाए रखने की बात कही थी। बकरीद की पूर्व संध्या पर फ्लैग मार्च आयोजित कर उपद्रवी तत्वों से निपटने एवं आम लोगों को शांतिपूर्वक बकरीद पर्व मनाए रखने का भरोसा उत्पन्न किया गया। आगामी बकरीद त्योहार को लेकर भागलपुर पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। बकरीद त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर भागलपुर स्थित पुलिस लाइन से आज सार्जेंट मेजर के शर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं फ्लैग मार्च में जिला पुलिस बल के अलावा SSBC, IIT के जवान शामिल थे। वहीं लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर मोहम्मद क्लीकर रहमान ने लोगों से बकरीद त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चौक चौराहे पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है, किसी भी तरह की अफवाह फैलाई जाती है तो उस पर ध्यान ना दे, असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, सादे लिबास में पुलिस बल इलाके में भ्रमणशील रहेंगे। वहीं बकरीद त्योहार के दौरान जिले में हो रही प्रत्येक गतिविधियों की नजर CCTV कैमरे से की जाएगी। नाथनगर के मधुसूदनपुर OP अध्यक्ष महेश कुमार के नेतृत्व में आगामी बकरीद त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च मधुसूदनपुर थाने से शुरू होकर नया टोला, मिर्जापुर, कांजिया, भतोरिया सहित विभिन्न इलाके में भ्रमणशील रहा। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आगामी पर्व बकरीद को शांतिपूर्ण संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से फ्लैग मार्च निकाला गया है। इस फ्लैग मार्च में थाने के सभी पुलिस बल शामिल थे। कुछ एक अराजक तत्व शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इस फ्लैग मार्च से संदेश दिया गया है कि अगर वह अमन शांति सहित सौहार्द और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना अध्यक्ष ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाजारों में किसी भी संदिग्ध वस्तु और संदिग्ध व्यक्ति को देखे जाने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है।
बकरीद त्योहार को लेकर नाथनगर के कर्णगढ़ स्थित ईदगाह मैदान में सभी तैयारियां कमेटी के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब है कि 10 जुलाई को बकरीद का त्योहार है जो लगातार 3 दिन तक मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग इन दिनों में कुर्बानी करते हैं। बीते 2 साल से कोरोना के चलते बकरीद के त्योहार की खुशियां कम रही, लेकिन इस साल हालात सामान्य होने पर बकरीद के त्योहार की रौनक नजर आ रही है। ईदगाह कमेटी के सचिव शम्स तबरेज रहमानी ने लोगों से अपील की है कि कोई भी खुले में कुर्बानी ना करे। कुर्बानी के बचे अवशेष को यंत्र तंत्र फेंकना नहीं चाहिए, उन्हें गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। वहीं उन्होंने लोगों से अपील शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार मनाने की अपील की है। कमेटी की ओर से की गई है और निगम प्रशासन द्वारा भी जगह जगह गड्ढे और जो कुर्बानी के जानवर के अवशेष हैं उसके लिए पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है पूरे नगर निगम क्षेत्र में। और ये ऐतिहासिक स्थल कर्णगढ़ में जो ऐतिहासिक यहाँ नमाज अदा होती है, इसके लिए चाक चौबंद पूरे प्रशासन के स्तर से भी पूरी व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है और कोविड को ध्यान में रखते हुए तमाम लोगों को कहा भी गया है कि आप अपने सतर्कता के साथ आइए, मास्क लगाइए और पालन भी कीजिए कोविड प्रोटोकॉल का। इसके साथ ही जगह जगहों पर जो जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की, इसके लिए हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। और नाथनगर शांति समिति, जिला शांति समिति के तमाम सदस्य जो इस काम में एकदम मुस्तैदी से लगे हैं, बिल्कुल आँख खोल कर चारों तरफ चौक चौबंद पर निगाह रखे हुए हैं। तमाम शांति समिति के सदस्यों को भी दिल से मुबारकबाद और पूरे देश, पूरे भागलपुर, तमाम लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को इस पावन त्यौहार के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद देते हैं। सबसे पहले शहरवासी और पूरे मुल्क के तमाम लोगों को बकरीद की दिली मुबारकबाद। 1904 ईस्वी से लगातार कर्णगढ़ की ऐतिहासिक धरती पर यहाँ ईद और बकरीद की नमाज होती चली आई है। ईद में भी नमाज पढ़ी गई है और कल बकरीद की नमाज अदा की जाएगी, उसके लिए तमाम तरह की तैयारियाँ कराई जा चुकी हैं और प्रशासनिक सतह से भी हमें भरपूर सहायता मिल रही है। पानी और फिर जो फर्स्ट एड वगैरह की तमाम सफाई वगैरह की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की गई है। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, उसके लिए क्या तैयारी? 7 लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं, उसके लिए क्या तैयारी है कोविड को देखते हुए? कोविड के देखते हुए मास्क का पालन करने का हिदायत दिया गया है कि सभी लोग मास्क पहन करके आएँ और जो कोविड के अनुकूल जो भी इस तरह की तरतीब है वो लगाई। भागलपुर जिले के विक्रमशिला सेतु पथ पर जानवी चौक के समीप शुक्रवार को एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जानवी चौक के पास 2.5 घंटे तक रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतका जगतपुर निवासी विपिन यादव की पत्नी सलिता देवी है। सलिता देवी अपने भांजे वीरपुर के अनिल यादव के साथ अपने बीमार बेटे मिथुन कुमार को भागलपुर चिकित्सक के यहाँ दिखाने गई थी। वहीं जानवी चौक पर ट्रक ने बाइक को धक्का मार दिया, अनिल व मिथुन बाल बाल बच गए। लोग इस बात से आक्रोशित थे कि हादसे के बाद पुलिस 2 घंटे बाद पहुंची। नवगछिया सर्कल इंस्पेक्टर मार्कडे सिंह और जगतपुर की मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव द्वारा समझाने और फोन पर एसडीओ यतेंद्र कुमार पाल द्वारा मुआवजा दिए जाने के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेज दिया। ये एक्सीडेंट कहां पे हुई थी? हम अपने पंचायत अपने आवास पर थे, यहां से टेलीफोन किया हमको, अपने पंचायत के कुछ लड़का लोग फोन किया कि अपने पंच गांव का विपिन यादव की वाइफ एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई है और वो हैवा है, कोई हैवा गाड़ी है जी, डलावरी ट्रक है। और उसके बाद फिर थाना प्रभारी का फोन किया, फिर उसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं तो सारे अपने पंचायत के इतने मेरे सामाजिक लड़का लोग थे, उनका परिजन, उससे भी हम बात किए जो उसका प्रावधान है। फिर हम बात किए एसडीओ सब, कन्फर्म किए कि भाई पैसा आपको मिलेगा और हमको एडिया भी है। पूर्व में भी एक दरिया चौक पर एक्सीडेंट किया था, 2 साल को तो उसका पेमेंट हो चुका है और हम मेरा कोशिश रहेगा कि जल्दी से जल्दी इनको पेमेंट हम मुआवजा दिलवा दें। ये कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? जानवी चौक पर। बोला जा रहा है पुलिस लेट से आई है। अब इसके बाद पुलिस लेट आया और इसके बाद डिटेल हमको पता नहीं है, हम तो खुद बाद में आए हैं, हम कैसे बता दें आपको? ठीक है, पुलिस डरती भी है, पब्लिक मोमेंट है, पब्लिक मोमेंट है, जाने जाने उनको धोखा लगता है। इसके बाद हमको फोन किया, प्रतिनिधि यहाँ आइए, आपके पंचायत के लोग हैं, हम आए सर, उनसे भी बात की और इस मालपुर थाना में पड़ता है
थाना प्रभारी से भी बात की है, फिर हमें अभी जा रहे हैं हम पोस्टमार्टम कराने के लिए। पोस्टमार्टम करा के फिर इस्माइलपुर हम कल जाएंगे, FIR करवा के जो प्रोसेस होता है प्रोसेस करवाएंगे। कितने देर जाम हो रहा होगा? दो घंटा।